विश्वास चोरी कर रहा था, देखा तुमने, तुम्हारे पैसे पहले भी इसने चुराए थे। नालायक बता क्यों कर रहा था चोरी? जब मांगने पर नहीं दोगे तो चुराऊंगा ही। आई शरद पागल हो गया है क्या? अरे बच्चे ने गलती की है तो उसे समझा, कोई इस तरह पीटता है क्या छोटे बच्चे को? तो क्या करूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं इसके लिए और ये बिगड़ रहा है। बंबई के विद्यालय में दाखिला करने के लिए एक एक पैसा जोड़ रहा हूं ताकि ये बड़ा आदमी बने, और ये बन रहा है चोर। आप मुझे बंबई भेजना चाहते हैं अपने आप से दूर? तेरे भले के लिए। भले के लिए नहीं कर रहे आप, मुझे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, सब समझ रहा हूं मैं, लेकिन मैं बंबई नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तू जानता है ना कि वो तेरे बिना नहीं रह सकता, फिर भी उसे दूर कर रहा है। बाबा मुझे इतनी समझ है कि किसमें किसका भला है किसमें नहीं। तू किसी का भला नहीं कर रहा है, तू सिर्फ अपने और पैसे के बारे में सोच रहा है। तुझे पता है जब तू घर पर नहीं होता तो तेरा बेटा क्या कर रहा है इसकी तुझे कोई चिंता नहीं। तेरी बीवी की तबीयत बिगड़ी हुई है और तू एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले रहा। तुझे जो करना है सो कर, पर ये मत बोल कि तू ये सब हम सबके लिए कर रहा है, समझा? चलिए खाना खा लीजिए, मैं खाना लगाती हूं। नहीं खाना खाना मुझे। वैशाली, साईं कहाँ जा रहे हो? नाश्ता बन गया है, खा के जाओ। अभी नहीं भाई साहब, मुझे एक जरूरी काम है। लेकिन साईं आप ही ने तो जवार की भाकरी बनाने के लिए कहा था। आप मेरे लिए भाकरी बना के रखो, मैं जल्दी लौटूंगा। समझ में नहीं आ रहा दवा क्यों नहीं असर कर रही, शायद इसे नगर के अस्पताल ले जाना चाहिए। ऐसी हालत में इतनी दूर कैसे जा पाएगी, इसे साई के पास ले चलो। अब मुझे बेहतर लग रहा है। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर होगा। साहब वो चट्टोपाध्याय जी ने आपको बुलाया है तुरंत। उनसे कहिए मैं आज नहीं आ सकता, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूं। लेकिन साहब
मेल में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है। ऑर्डर में कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि बलवंत साहब भी वहीं पे है। और चट्टोपाध्याय जी कह रहे थे कि अगर आप नहीं आए तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए जल्दी चलिए। मुझे जाना होगा। वैशाली, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें ठीक लग रहा है, शायद डर की कोई बात नहीं है। मैं कल तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। भाड़ में गई तेरी नौकरी। अरे इससे तुम किसान अच्छे थे, कम से कम मेरा बेटा तो मेरे पास था। तू देख लेना शरद, तेरी ये नौकरी एक दिन हम सबको खा जाएगी। और तू तू उस समय भी अपने उस मिल में काम कर रहा होगा। हाँ कर रहा होगा काम। जब इस घर पर मुसीबत आएगी ना, तब मेरा कमाया पैसा ही सबको बचाएगा। ठीक है, जल्दी काम निपटा के आता हूं। इस बीच वैशाली की तबीयत खराब हो तो इसे कुलकर्णी सरकार के यहां ले जाना। साईं तो भिक्षा मांगने इधर उधर जाते रहते। सरकार के पास ले जाएंगे, तुरंत इलाज होगा। जब तक अस्पताल नहीं ले जाता तब तक आराम मिलेगा इसे। पैसे दराज में रख दिए थे मैंने। चलिए इसे कुलकर्णी सरकार के पास ले चलते हैं, पैसे वहां से ले लीजिए। अरे इसमें तो पैसे ही नहीं है। शरद ने बोला था पैसे वहां रखे हैं, फिर से गायब। कहीं विश्वास तो। विश्वास? ए विश्वास कहां गया? मेरी किस्मत फूटी। मेरे पति मुझे इस हालत में छोड़कर निकल गए। और बेटा, बेटा चोर बनते जा रहा है। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? बहू, ये सब के बारे में अभी मत सोच, और तबीयत बिगड़ जाएगी। सुनिए, किसी पड़ोसी को कहकर शरद को खबर भिजवा दीजिए, ताकि वो लौट सके। अभी वो मिल नहीं पहुंचा होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम जिंदा हैं अभी। हम लेकर जाएंगे अपनी बहू को साईं के पास। मदद कीजिए साईं। धीरे 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 बेटा, चलो आराम से। पैसे ये रहे। अब चलो प्रहलाद और उसके दल को मजा चखाते हैं। आज हम उनको ऐसी धूल चटाएंगे कि वो मेरे सामने आंख उठा के भी नहीं देख सकेंगे। बहुत अच्छा विश्वास, धूल तो हम जरूर चटाएंगे, लेकिन आज नहीं। क्यों? अरे वो खेल पंच है ना, हम जैसा ढूंढ रहे थे वैसा मिला नहीं। ये तो तुम्हें भी पता है कि अगर वो हमारी तरफ से होगा तो हमारी जीत पक्की। हम दो चार दिन में सब कर लेंगे। अगर चुनौती देनी है तो पूरी तैयारी के साथ देंगे। लेकिन मुझे उन्हें आज ही नीचा दिखाना था। क्यों चिंता कर रहे हो दोस्त, सही समय पर वार करना ना सही होता है। अच्छा तुम कह रहे थे ना तुम्हें तैरना नहीं आता है, अभी हम नदी किनारे हैं, आओ हम सब तुम्हें तैरना सिखाते हैं। ऐसी तैराकी सिखाएंगे ना कि शिरडी के बच्चे तुम्हें आँख फाड़ के देखते रह जाएंगे। क्यों दोस्तों? ये अच्छा होगा। चलो फिर, देर किस बात की, उतरो पानी में। चलो हम सब है ना। हाँ बिल्कुल जाओ। हाँ जाओ पानी में।
ठीक है। चिंता मत करना, हम लोग हैं। जा जा आगे जा, हम हैं। जा जा आगे जा, हम हैं। चलो शरीर को हल्का रखो। हाँ अब तैरने की कोशिश करो। और गहरे पानी में। अरे ये तो कमर तक ही पानी है, आगे जाओ। बहुत अच्छे। नहीं अभी नहीं चला जा रहा है। थोड़ा हिम्मत रखो बहू, इलाज तो कराना ही होगा। बहुत दर्द हो रहा है। बस हम आ ही गए, जल्दी आ जाओ। चल बेटा धीरे धीरे। क्या हुआ इसे? इसके सीने में दर्द हो रहा है, चल भी नहीं पा रही, इसलिए साई को दिखाने लाए हैं। साई तो अभी नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि वो तुरंत लौटेगा। वैशाली तुम अंदर आ, आइए। चल बेटा। आ, संभल के, संभल के। आ। बैठो वैशाली। आराम से। साहिब, साहिब क्या हुआ साहिब? अरे शायद, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ, कुछ प्रॉब्लम था ऑर्डर में, कृष्ण बाबू ठीक कर दिया। अब बोलन बाबू भी जा चुका है। ये क्या बात हुई सर? वहाँ मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, उसे छोड़कर भागकर यहाँ आ रहा हूँ। ऊपर से एक एलवा भेजा कि नहीं आया तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे कुछ तो सोचा कीजिए साहब। भाग करके बात नहीं करना हमसे, ये तो फोर मैन से सिंगल मैन बनाने में हमको थोड़ा भी देर नहीं लगेगा। बुझा? मन उलझा हुआ है साहब, माफ कीजिएगा, पत्नी की चिंता है। अरे वो सब ठीक है ठीक है, लेकिन काम से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। तरक्की करना है तो याद रखना पड़ेगा, समझा? ओ तुम्हारा माँ बाबा है ना घर पे, तुम्हारा पत्नी का टेक केयर करने को है ना, तो अपना जिम्मेदारी पूरा करो पैसा कमाने का। हमको देखो, हम बंगाल से इधर आया किस लिए? अपना फैमिली को छोड़कर आया ना, ताकि उनका बेटर लाइफ हो सके। हम जब बुलाएगा तुमको आना पड़ेगा। लेकिन साहब थोड़ी देर के लिए उसे देखने घर जा सकता हूं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन इधर रुकेगा ना तो एक मिनट, तुम ये कमा सकते हैं 50 रुपया। पचास रुपए साहब? अरे इस महीने का कमीशन हम तुमको देने ही वाला था, तुम्हारा काम में ध्यान देखकर। तो अभी तुम भाग रहे हो, सब वर्कर लोग बोलेगा कि हमको कल भाषण दिया और आज ये खुद घर भाग रहा है। कम काम करेगा वर्कर सब, अब कम काम मतलब नुकसान। अब नुकसान सहकर कोई बोनस कैसे देगा अपने वर्कर को? हाँ शौरभ, दूसरा लोग को ना ये 50 रुपया कमाने में बरसों लग जाता है, तुम्हारे पास मौका है, और आज ही नहीं आगे तुम ऐसा बहुत सारा पैसा कमाएगा। सोच लो, आज जो तुम फैसला लेगा ना वही बनेगा तुम्हारा अमीरी और गरीबी के बीच का लक्ष्मण रेखा।
विश्वास तू नाटक कर रहा है ना, हम डरने वाले नहीं है। हम नहीं डरने वाले यार विश्वास। अरे ये तो सच में डूब रहा है। अरे मदन जाओ उसे बचा यार। अरे मुझे गहरे पानी में नहीं तैरना आता, तो तूने उसे इतने गहरे पानी में भेजा क्यों? मुझे नहीं पता, तो इतने गहरे पानी में चला जाएगा। वो देखो विश्वास डूब रहा है। विश्वास, विश्वास। अरे ये तो श्रीडी के बच्चे हैं, तो बड़े भी आते होंगे, कहीं उन लोगों को ये ना लगे कि ये बेवकूफ हमारी वजह से डूब रहा है। चलो भाग चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम हम में सबसे बड़े हो, बचाओ उसे, वो डूब रहा है। रुको। प्रहलाद नंदू तुम यहाँ पे रुको, हम गांव में से जाके किसी को बुला के लाते हैं। हाँ ठीक है। विश्वास अपने हाथ चलाओ। संभाल के। विश्वास हमारे। विश्वास तैरने की कोशिश करो। ऊपर आओ विश्वास, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ विश्वास, ऊपर आओ। बचाओ। साई, साई। मैं आ गया हूँ बेटी। कहाँ गए थे तुम साई? वैशाली के लिए जंगल से जड़ी बूटी लाने। चंपा वो खलबत्ता देना। जी सर। पैजामा पानी दीजिए। कैसा लग रहा है वैशाली? बेहतर लग रहे हैं साई। साई, 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 विश्वास नदी में डूब रहा है साई। नहीं, विश्वास। तो हमेशा हमारा उम्मीद में खारा उतरता है। जा काज करो जा। ए, चलो काम करो, हाथ रुकना नहीं चाहिए, चलो जल्दी करो जल्दी। काका, शरद काका। अरे रुको रुको, ऐसे कहाँ जा रहे हो? विश्वास नदी में डूब रहा है। तू देख लेना शरद, तेरी ये नौकरी एक दिन हम सबको खा जाएगी। जा रहा है, हम भी चलते। ए, क्या चाहिला नहीं, वरना हम नौकरी से निकाल देगा। भाड़ में गए तुम और भाड़ में गई तुम्हारी नौकरी। अरे, अरे।
है, चलो काम करो। ऐसे बहते हुए पानी में तैरना जानते हैं वो लोग, वो अपना काम कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास यहाँ नहीं है। विश्वास, विश्वास थोड़ा उस तरफ भी ढूंढो। हाँ वीडियो, विवा ये सारे पैसे रख ले, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे विश्वास को बचा ले विवा। शरद तुम भले ही बदल गए हो लेकिन हम अब भी वही है, वो हमारे भी बेटे समान है। पैसा देकर हमारा अपमान तो मत करो दोस्त, विश्वास को ढूंढने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। चलो चंदू। चंदू उधर देख रहा, चंदू उधर देख, युवा विश्वास मिला क्या गए, विश्वास को लेके आला, देखना विश्वास को। विश्वास मिला क्या? पानी का बहाव तेज है, बह गया होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मेरे विश्वास को। तुम मिला? सही है यहाँ। विश्वास, विवा उधर देखना। विश्वास, विश्वास, विश्वास। सही, 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 सही। मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो, मेरे बच्चे को बचा लो सही, मेरे विश्वास को बचा। बाबू वो चट्टोपाध्याय जी ने बोला है कि अगर आपका बेटा मिल गया हो तो काम पे आ जाइए, उधर आपकी जरूरत है। जब तक मेरा बेटा नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब आपके रहने से क्या होगा, जब जरूरत थी तब तो नहीं थे ना आप। जाइए काम कीजिए, पैसा जरूरी है ना, जाइए कमाइए। ससुर जी ठीक ही कह रहे थे, आपका काम हम सबको खा जाएगा, वही हो रहा है। विश्वास कब से कह रहा था उसको आपके साथ तैरना सीखना है, लेकिन आपके पास उसके लिए समय नहीं था। वो दिन रात राह देखता रहा, लेकिन आपको तो आपकी तरक्की की राह दिख रही थी, उसका भटकना नहीं। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। पैसों का बहुत घमंड है ना आपको, सब कुछ पैसे से होता है ना, तो जाइए पैसे के बल पर मेरे विश्वास को ढूंढ लाइए। अब साई की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? वैशाली, वैशाली मेरी बात तो सुन। आप आज सिर्फ सुनेंगे, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, क्योंकि आपकी गलती की वजह से वो साई, वैशाली वो देखो अब सब ठीक हो जाएगा। सहज सरल ये राह भक्ति की, सुखदाई है अपार। बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार,
बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले कर ले ये संसार। अंधियारे हर पथ पे बंदे साई करे उजाला, हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला, हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला। मुझे माफ कर दो, आप मुझे पानी में जाने से मना किया था, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। बाबा, अब से मैं चोरी नहीं करूंगा। आप मुझे बंबई भेजना चाहते थे ना, मैं चला जाऊंगा। नहीं विश्वास, तू कहीं नहीं जाएगा। गलती तेरी नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने तेरी जरूरतों को कभी नहीं समझा, मैंने सबके साथ गलत किया। वैशाली का कभी ख्याल नहीं रखता, भाई बाबा का मान नहीं किया, के साथ दोस्ती नहीं निभाई। साई का कभी सम्मान नहीं किया, जाने किस अंधकार में जा रहा था मैं,
माफी तो मुझे आप सबसे मांगनी चाहिए। शरत, तुम्हें समझना चाहिए कि पैसा नहीं, परिवार और शुभ चिंतकों का साथ ही असली दौलत है। तुम्हारा पैसा किसी काम नहीं आया, दोस्त है। इंसान अक्सर भूल जाता है कि पैसा कमाने में हम रिश्ते खर्च कर देते हैं, तरक्की करते हुए हम मूल्यों का पतन होने देते हैं। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है शरद, लेकिन कितना कमाना जरूरी है और उसके लिए क्या कीमत चुका रहे हो, इसके बारे में कभी सोचा है? तुम ये सब अपने परिवार की खुशी के लिए कर रहे थे, मैं मानता हूं, लेकिन परिवार की खुशी क्या है इसके बारे में पता करने की कोशिश की कभी तुमने? क्या तुम्हें पता है शरद कि तुम्हारे माता पिता को तीर्थ जाने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इन्हें अपने पोते में ही लड्डू गोपाल नजर आते हैं। तुम्हारी पत्नी, इसके लिए तुम्हारा साथ ही श्रृंगार है, इसे महंगे आभूषणों की कोई इच्छा नहीं है। और तुम्हारा बेटा, इसके अच्छे भविष्य के लिए पैसे नहीं, एक पिता का मार्गदर्शन चाहिए शरद। इसके व्यक्तित्व और चरित्र को संवारोगे तो यह अपने आप मंजिल ढूंढ लेगा। शरद बाबू, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो चलिए काम पे। कह दीजिए चट्टोपाध्याय जी से, आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं मेरे बेटे के पास रहूंगा। तो चिंता मत कर विश्वास, मैं ओवर टाइम करूंगा, लेकिन घर पर तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। तेरी परवरिश अब पैसों से नहीं, अच्छे विचारों और संस्कारों से होगी। विश्वास, क्या तुम्हें किसी और से कुछ कहना है? समझ आ गया, मेरे सच्चे दोस्त तुम सब हो, वो नहीं जो मुझे डूबता देख भाग गए। मुझे माफ कर दो। लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें हमारी कबड्डी दल का मुखिया बनना होगा। नहीं प्रहलाद, तुम खेल में सबसे अच्छे हो, मुखिया तुम ही बन सकते हो। अब मुझे तुम्हें हराना नहीं है, तुमसे सीख के और बेहतर होना है।
साई, आज फिर हमेशा की तरह आपके कारण सब सही हो गए। राम जी भला कर। बदलाव जरूरी है और हर इंसान की उन्नति भी। सबको प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसकी कीमत परिवार की खुशियों से अदा की जाए तो वो उन्नति नहीं, पतन है। क्योंकि अगर परिवार संतुष्ट नहीं तो समाज भी असंतोष की ओर अग्रसर हो जाएगा। जब संबंध पीछे छूटने लगे तो वो बदलाव नहीं, भटकाव है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संतुलन जरूरी है, और जहां संतुलन खोया वहां अल्लाह मालिक। आज मैंने अंग्रेजी नाश्ता बनाया है, मैश्ड पोटैटो। ये आवाज कहाँ से आई? आई वो भूख के मारे मेरे पेट में कुत्ते दौड़ रहे ना, उसी की आवाज आई होगी। पेट में चूहे दौड़ते हैं राजा, कुत्ते नहीं। हाँ तो कोई असली कुत्ता होगा बाहर का। नीचे क्या देख रहे हैं राजा, खाना तो इधर है ना। ये वाली आवाज तो बाहर से नहीं आई। आई, इतना भयानक खाना मेरे पेट में गया ना, इसलिए सच में पेट से ही आवाज आ रही है। क्या आई, कल जब आजी ने आलू की सब्जी बनाई थी तो आप ही ने तो कहा था ये गरीबों का खाना है, और अब आप ही उबले हुए आलू दे रही हो। उबले हुए आलू लग रहे हैं तुझे? हाँ, अंग्रेजों का नाश्ता है ये, अंग्रेजों का। अच्छा चुपचाप खा खा। नीचे क्या है? ये कुछ नहीं है आई। ये क्या है राजा? आई कुछ नहीं है राजा, मुझे देखने दे। क्या है राजा? आई, कुछ नहीं है। मुझे देखने तो दे राजा, मुझे देखने दे। इसमें क्या है राजा? कुछ मनु राजा, कुत्ता क्या कर रहा है घर में? क्या आई, आप तो इस कुत्ते के पिल्ले से डर गई। इस घर में क्या कर रहा है ये आवारा जानवर? आई आवारा नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। अब कुत्तों से दोस्ती करने लगा तू? हरगिज नहीं राजा, जा इसे बाहर छोड़ के आ जा। पर आई कुत्ते को मुझसे दूर रख राजा, पास मत आ, दूर रह। पर आई बाबा ने कहा था कि मनु यहाँ रह सकता है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ नहीं रह सकता, तू जा इसे लेकर बाहर। आप तो चाहती ही नहीं हो कि कोई मेरा दोस्त बने। भोला, चेतन, रागनी, लतिका, ये सब भी आपको अच्छे नहीं लगते हैं ना? अगर आप ऐसी रहीं तो मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। नमस्कार। राम जी भला करें। कैसे हो चट्टोपाध्याय? पूरा गांव में एक आप ही हैं जो हमारा नाम कभी गलत नहीं लिया, वरना सब लोग तो उपाध्याय उपाध्याय बोलता रहता है। नया नाम हो या नई सोच, बदलने में समय तो लगता है ना। पर आपका कारण गांव वालों का सोच बदलने में समय नहीं लगा, और जब से आपने शौरत का मन बदला है, सायरन बजता है, हाथ धोता है और मुंह उठा के चला जाता है।
उसका देखा देखी और लोग भी ओवर टाइम नहीं कर रहा है, सब बोलता है अपना फैमिली को समय देना है। वो देखो प्रणाम साई। राम जी भला कर। जल्दी में हो साई, वो नहीं है ना तो मुझे ही खेत पे जाना है। अरे पर पूरा समय बच्चा को ऐसा बांध कर कैसे काम करेगा आप? पर इसे अकेले घर पे छोड़ भी तो नहीं सकती और फिर मैं अपने बच्चे के बगैर रह भी नहीं सकती, इसलिए इसे अपने पास रखने के लिए जो कोई उपाय करना पड़े मैं वो करूंगी। चलती हूँ साई। कुछ समझे? हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहता है। वो अच्छा माँ है, उसका बच्चा का देखरेख करना बहुत जरूरी है, इसलिए वो खेत में अपना बच्चा को साथ लेके जाता है। लेकिन खेत का मालिक को पता चलेगा तो उसका नौकरी जाएगा, क्योंकि वो तो मजदूरी अपना खेत में काम करने के लिए देता है ना। अभी अपना बच्चा को लेके जाएगा, उसको छुपा के रखेगा, उसका काम में ध्यान किधर रहेगा? तू नाव में सवार होने वाला डूबता है। ये तो बात है, माता पिता अपने बच्चे की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वासुदेव और देवकी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे नंद और यशोदा को सौंप दिया था, वो भी तो छुपाना ही था ना। अपने बेटे को राजा से ग्वाला बना दिया सिर्फ उसकी रक्षा के लिए। इसी तरह कई माता पिता हैं जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए, उसके हित के लिए ऐसे जोखिम उठाते हैं। कमल क्या कर रहा है? तुझे बोला ना झांकना नहीं है बाहर। शांति से बैठ। आ गया कुलकर्णी वाड़ा, पी लिया भाव। चल चले कलावती। मेरा आना जरूरी है क्या? तुम अकेले ही चले जाओ। तुझे पता है ना तेरा आना जरूरी है, फिर क्यों नखरा कर रही है? लेकिन मैं उनसे क्या बात करूंगी? तुम अकेले भी तो जाकर बात कर सकते हो। तुम चले जाओ, हम यहीं पे बैठते हैं। आई चलो ना, कितना सुंदर घर है, मुझे भी देखना है। चलो। तुझे नहीं चलना है तो मत चल, मैं कमल को अंदर ले जाता हूँ। अरे ये घर देख लेगा और घर वाले से हा? नहीं नहीं, तो जैसा बोल रहा हूं ना वैसा कर। चल उतर बैलगाड़ी से। तू इसके साथ खेला और यहां से कहीं जाना मत। इससे नहीं, इससे खेलना और कहीं पर भी जाना मत। अरे नहीं जाएगा कहीं पे, तू तो चल। चट्टोपाध्याय, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम ना तो मिल के लोगों की जरूरत समझ पाए हो ना ही अपनी जरूरतों को। मतलब? तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती है, उनके साथ रहने का मन नहीं करता है।
नहीं, हमारा फैमिली तो इसी में बहुत खुश है कि हम उनको भरपूर पैसा भेजता है जिससे वो अपना जरूरत पूरा करता है। अच्छा साई, हम चलता है, हमको मिल जाना है। ओ भाई, सरकार है क्या? जरा बुला दो ना। कौन हो तुम जो ऐसे बिना अनुमति घर के अंदर घुसे आ रहे हो और घर के मालकिन से ऐसे बात करते हो? मेरा नाम पीलिया है। मैं पीलिया हो या नीलिया, अपने पत्नी को लो और निकलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, पति नहीं है ये मेरा। अच्छा, तुम भगा के लाए हो ना इसे? तब समझती हूँ मैं, पता नहीं किस गांव से किसकी पत्नी को उठा के ले आए और अब आ गए कुलकर्णी सरकार से भीख मांगने या हमें शिरडी पे पना दे दे, है ना? बस बस कीजिए आप। अरे जो मुंह में आ रहा है आप बोलते जा रही है, दूसरे को बोलने का मौका तो दीजिए। हम भगोड़े नहीं है, हमें यहाँ पे काम करना है, इसलिए हम कुलकर्णी सरकार से मिलने आए। कलाकार है। ससुर जी ने कोई ठेका नहीं ले रखा हर बेरोजगार को नौकरी देने का। अब निकलो यहाँ से वरना मैं धक्के मार के भगा दूंगी। चलो। ए, घूर के क्या देख रही है? कलावती, चलो यहाँ से। सरकार आएंगे तो कहिएगा पीलिया आया था। चल। ये आए भी ना, किसी को कुछ बोलने ही नहीं देती है। अब क्या पता सच में कोई काम हो दादाजी से। हर जगह तू तेवर क्यों दिखाने लगती है? यही लोग हैं जो हमें काम देंगे। इनसे तू तू मैं करेगी ना तो शिरडी में रहने नहीं देंगे। कुलकर्णी सरकार मुखिया हैं और ये उनकी बहू। वैसे गलती मेरी भी है, सीधा ही अंदर चला गया, लेकिन मुंह फट है ना। नहीं है? चल। कमल, कमल कहाँ है? कमल, 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 तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, आई वो मुझे बोला था ना बैलगाड़ी से बाहर नहीं आना है, बाहर ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। कितनी बार बोला है? आइंदा से अगर तू बाहर गया तो तेरी खैर नहीं। चल चल। साई तो है नहीं, कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। हम लोग यहीं बैठकर इंतजार करते हैं। चलो आओ बैठो।
क्या हुआ? उद्धव, तुम जिसे हीरा समझ रहे हो वो कांच का टुकड़ा है। के नीचे गरम अंगारे होते हैं जो हमें दिखते नहीं है लेकिन जला सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए साईं। तुम्हें तुम्हारे बचपन से देखता आया हूं। बड़ा चंचल मन है तुम्हारा, जल्दी किसी भी चीज से आकर्षित हो जाते हो और उसके आगे कुछ नहीं दिखता तुम्हें। इसकी वजह से नुकसान भी करा लेते हो अपना। ध्यान रखा करो उद्धव। जी साई। कैसे आना होगा? साई, उद्धव को मिल में नौकरी लग गई है और इसी के साथ उसकी एक सुंदर सुशील और संस्कारी लड़की से शादी भी तय हो गई है। इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आए थे। राम जी भला करें। लेकिन उद्धव, चंचलता को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना, क्योंकि कभी कभी हम ऐसी चीजों से आकर्षित हो जाते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जी सही। Thank you.
हर गांव में अपना ऐसा परिचय दो कलावती कि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें। रंग रूप है पंता जी, वैसे कौन थी ये सुंदर महिला? शिरडी में इसे पहली बार देखा है। हाँ संता जी, चलिए कपड़े भी खराब हो गए। हाँ पंता जी, चलिए। अरे रुक क्यों गए? खुशी का मौका है, नाच गाना बंद नहीं होना चाहिए। बजाइए बजाइए।
रागिनी, तुम तो कितना अच्छा गाती हो, हम सबको कोई भजन सुनाओ ना। लेकिन यहाँ तो कोई संगत देने के लिए भी नहीं है, बिना संगीत के मैं कैसे गाऊंगी। पहले कोई बाजा तो बजाओ, सुरिया ताल कुछ तो मिले मुझे। रागिनी, संगीत के लिए किसी इंसान या संगीत वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है। संगीत तो प्रकृति का अभिन्न हिस्सा है। संगीत हवा में है, हमारे इर्द गिर्द सब जगह में है। ध्यान से सुनो। रागिनी, तुम्हें तो मां सरस्वती का आशीर्वाद मिला है। एक दिन तुम बहुत अच्छी कलाकार बनोगी। साई, मैं गाना इसलिए गाती हूँ क्योंकि मुझे गाना दिल से अच्छा लगता है, आई की तरह। कलाकार बन के क्या करूंगी मैं, उससे क्या होगा। आई की तरह बड़े होके आखिर मैं भी तो घर ही संभालूंगी ना। लेकिन एक नाटक में गाना तो तुम्हारी आई ने भी गाया था रागिनी, भले ही तुम्हारी आई ने इसे अपना पेशा नहीं बनाया, लेकिन उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी और उसे सम्मान भी बहुत मिला था। एक बस्ती की लड़की की कला ने पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया था, क्योंकि कला में वो शक्ति होती है जो समाज को एक सही दिशा दे सकती है, बिखरे हुए समाज को एक कर सकती है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर कला का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो अच्छे भले समाज को बांट सकती है, बिखेर सकती है।
कोई आया है, तू अंदर जा। तो क्या हुआ आई? जब भी कोई आता है अब मुझे नाचने या कुछ बोलने से भी मना कर देती हो, मुझे अंदर जाने को कहती हो, मुझे नाचने क्यों नहीं देती? कमल मेरी बात मान ले, तू अंदर जा। नहीं आई, मुझे नृत्य का अभ्यास करना है। मैं कह रही हूँ ना, तू अंदर चला जा, जा। वाह कलावती वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे पूरे गांव में तेरे ही चर्चे हैं, सिर्फ तेरे ही चर्चे, तीर बरोबर निशाने पे लगा है, जैसा मैं चाहता था वैसा हुआ है कलावती। अरे सरकार ने सामने से संपर्क किया है, अब बहुत जल्द हम तेरे नाच की महफिलों का आयोजन कर पाएंगे, समझी ना? तुझे पता है बहुत सालों से यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे कलावती, गांव वाले दीवाने हो जाएंगे दीवाने, सोच पैसों की बारिश होगी। क्या सोच रही है? कुछ अजीब बात है शिरडी में, यहाँ आकर मेरा ऐसे नाचने का मन ही नहीं कर रहा।